नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बहादुरगढ़ से बड़ी खबर की, जहां पर किसानों ने जल समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी बहादुरगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, किसानों का जल समाधि सत्याग्रह और इसको लेकर ये बड़ी जानकारी बहादुरगढ़ से इस वक्त सामने आ रही है। गुरुग्राम वाटर सप्लाई नहर के बीचों बीच किसान खड़े हुए हैं, किसान महिलाएं भी सत्याग्रह में पानी के बीच में हैं। इसके साथ ही नहर के ठंडे पानी में ही किसानों ने अपना भजन शुरू कर दिया है। किसान नेता रमेश दलाल की अगुवाई में आंदोलन चल रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त बहादुरगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम वाटर सप्लाई नहर के बीचों बीच किसान खड़े हुए हैं, किसानों ने जल समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया है और किसानों के साथ महिलाएं भी इस सत्याग्रह में शामिल हैं। नहर के ठंडे पानी में ही किसानों ने भजन शुरू कर दिया है। किसान नेता रमेश दलाल की अगुवाई में आंदोलन चल रहा है। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने जल समाधि सत्याग्रह की शुरुआत की है। ये बड़ी खबर इस वक्त बहादुरगढ़ से मिल रही है, किसानों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। समरथा प्रवीण कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर। प्रवीण, क्या जानकारी है किसानों के जल समाधि सत्याग्रह को लेकर? किसान लगातार 42 दिन से आंदोलन कर रहे हैं ऑर्बिटल रेस्टोर के लिए, धीरे जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए। इसी बीच आज किसानों ने जल समाधि सत्याग्रह किया। दरअसल ये उसी आंदोलन का ही एक रूप है जो किसान केएमपी टोल प्लाजा के सारे साथ में धरना दे रहे हैं। किसान इस बात से नाराज है कि सरकार जो उनकी बात नहीं मान रही है। मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी तक का आश्वासन दिया था उनकी मांग पूरी करने के लिए, लेकिन 10 फरवरी बीते भी आज 5 दिन हो गए और सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी। किसान डीसी का घेराव कर चुके हैं और अब 18 तारीख को फिर से डीसी का घेराव ऐलान भी कर दिया है। अभी क्या कहा जा रहा है आगे की रणनीति, क्या कुछ लोगों की होगी आश्वस्त, क्या किसी ने अभी तक इनको किया है, किसी भी अधिकारी से मुलाकात हुई है, कोई बातचीत? देखिए, आंदोलन नेता रमेश दलाल अगुवाई में चल रहा है। रमेश दलाल किसान ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से भी मिले थे, जिला उपायुक्त से भी मिले थे और मुख्य सचिव उमाशंकर से भी मिल चुके हैं। वी उमाशंकर जी ने उनको ये कहा है कि बजट सेशन के बाद किसानों की मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन किसान इस बात से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने तो 10 फरवरी तक का आश्वासन दिया था, वो भी पूरा नहीं। किसानों का कहना है कि केएमपी स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे का दर्जा ही तो प्रदान करना है, उसके आधार पर मुआवजा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि उन्हें लगातार टाइम देने के बजाय त्वरित आधार पर कार्रवाई करते उनका मुआवजा बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। जी हमारी सरकार सुन नहीं रही। 10 तारीख का टाइम दिया था पहले, तो फिर 10 के भी बाद 14-13 टाइम दिया टाइम, तो तब भी सुनाई नहीं हुई। मजबूरी में हमने ये जल समाधि लेनी पड़ेगी, मजबूरी है जी। मुआवजा बदान ताई मारे बच्चे के खाएंगे, हमारी जमीन चली जाएगी, दो दो बीघे खुड़ान वाली पीढ़ी कित पर रहेगी, के खाओगी, मजबूरी है हमारी। हमारा मुआवजा बढ़ाओ 10 करोड़। हमने अपनी धरती का मुआवजा बढ़वाना से, हमने तो 10 करोड़ चाहिए है। हमारे तो दलाई धरती जान लाग रही है, हमारे बाल के खाएंगे फिर दो साल लाग जाओ, पर हम नहीं हटांगे पाछे ने। 3.5 करोड़ 4 बकलिया रही लावा है, एक वाड़ी का रेल का मुआवजा दे है 1.5 करोड़ भी ना करते तो मुआवजे के मारे बैठे भाई के हमारा बदलाव है के मैं भाई बालका का गुजारा हो जा है, तो ये कोने सुनाई करते नुकसान करवाओगे या सरकार। मजबूरी में हमने शीत लहरों के चलते हुए और इस सर्दी के मौसम में इस गुड़गावा नहर में उतरना पड़ा जल समाधि सत्याग्रह के तहत, ताकि हम सरकार को जगा सके कि इतना अत्याचार अन्याय मत करो, कि जो वादा करके भी जो हमारे साथ वादा पूरा नहीं किया। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री ने पंचायत के सामने वादा किया और कहा कि 3-4 दिन में आपका वार्ड का संशोधन हो जाएगा, आपका मुआवजा बढ़ेगा और बाकी की मांग मंजूर हो जाएंगी। और आखिरी जो समय दिया था वो 10 फरवरी तक का दिया था। 10 फरवरी को हमने डीजी का घेराव किया और डीजी साहब ने फिर 3 दिन मांग लिए। आज 15 तारीख को 3 दिन भी खत्म हो गए। हम सरकार से चाहते हैं सरकार अपने वादे को पूरा करे।